हम लोग सब एक साथ हैं, इसमें लड़ाई कहाँ है। हम अपने घर को जला देंगे, हम बर्तन को फोड़ देंगे। हम अपना घर है, हमारा मुखिया है, हमको अगर दो रोटी से पेट नहीं भरता तो तीन रोटी मांगेंगे ही। 128 से एक आदमी भी नहीं झंसकेंगे, हो सकता है एक आध वोट ज़्यादा ही आ जाए। वो कहने को बाध्य हो गए तेजस्वी के सामने कि क्या बिहार के लोग 2005 के पहले वाली स्थिति चाहते हैं। नीतीश कुमार 2005 और 10 के बीच में अपना नाम कमाने का काम किया था, गुड गवर्नेंस दिया था। धन्यवाद है आपको, बहुत शुक्रिया। अब तो सत्ता परिवर्तन हो गया, आपने पहले भी कहा था। सत्ता परिवर्तन हुआ और अच्छा के लिए परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब कि हम लोग कुछ भटक गए थे इधर उधर और रास्ते पर चले आए हैं। जो 2020 में चुनाव हुआ वो चुनाव NDA के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए किया था और बना भी था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कि जिस भी कारण से हो महागठबंधन के साथ चले गए थे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार 2005 और 10 के बीच में अपना नाम कमाने का काम किया था, गुड गवर्नेंस दिया था, वो कहने को बाध्य हो गए तेजस्वी के सामने कि क्या बिहार के लोग 2005 के पहले वाली स्थिति चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका भर्सन था कि वो उब रहे थे कि भाई हम गुड गवर्नेंस दिया है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, करप्शन ज़्यादा है और शेड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटी हो रहा है, तो इसके लिए वो चेंज के लिए चाह रहे थे। और अंतर्गतवा चेंज हुआ, स्वागत योग्य है सर। 12 तारीख पर इसका पूर्ण बहुमत है हमारे NDA के साथियों का और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री को हम लोग ने नेता चुना है, मुख्यमंत्री बनाया है। और 128 से एक आदमी भी नहीं झंसकेंगे, हो सकता है एक आध वोट ज़्यादा ही आ जाए। इसलिए 12 तारीख की जो बात है उसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि कोई उलट पुलट हो। राजद और उनके सहयोगियों को लगता है कि मांझी जी ने 2 मंत्री पद मांगा है तो खेला इसी पर टिका हुआ है। ये बहुत गलत है। हम अपना घर है, हमारा मुखिया है, हमको अगर दो रोटी से पेट नहीं भरता तो तीन रोटी मांगेंगे ही, तो इसमें लड़ाई कहाँ है। हम अपने घर को जला देंगे, हम बर्तन को फोड़ देंगे, वो कभी नहीं हो सकता। हम लोग सब एक साथ हैं। और दूसरी बात कि ये लोग जो बोलते हैं खेला का, तो जानते हैं देहात में हम लोग जानते हैं जो पहलवान पटका जाता है अखाड़ा में वही बोलता है कचा अबरी हम पटक देंगे, तो वही ये लोग कर रहे हैं। अपने पटका गए हैं तब तो वही आशा स्वप्न रात में भी देखते होंगे कि हम अब पटक देंगे, तो वो सब उनका ख्याली पुलाव है। और हम समझते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में सबको अटूट विश्वास है और जो NDA की सरकार बनी है वो 128 लोगों के बहुमत से बनी है, इसलिए वो 12 तारीख को कोई किसी प्रकार के अप्रिय घटना नहीं होगी। हम लोग बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस वोट सीख कर लेंगे। सर, जो में पद मिला है आपके पार्टी को मंत्री पद के, आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।